Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about standard deviation, that is STD method, which is basically part of unit number 1, that is data handling and visualization of IP class 12. Well, आप चाहें तो सीधे STD method use करके given data range के लिए standard deviation measure कर सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. बट आई बिलीव दैट अगर आप कुछ पढ़ें तो उसकी पूरी तह तक जाएं ताकि बाद में किसी भी तरह की शक शुबा की गुंजाइश ना हो, भले ही वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या ना हो. यही रीजन है मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अलग से वीडियो रेडी कर रहा हूं. जिस तरह से इसके प्रीवियस सेशन में हमने क्वांटाइल एंड क्वार्टाइल मेथड एंड कॉन्सेप्ट को लर्न किया था, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एज वेल. तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, किस तरीके से हम इसे मैन्युअली क्रिएट करते हैं और उसके बाद में किस तरह से एसटीडी मेथड को अप्लाई करके किसी पैंडर डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल डेटा, मींस मैं बात कर रहा हूँ डेटा फ्रेम या सीरीज ऑब्जेक्ट की, उनके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन. सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है. हियर इट इज सेइंग दैट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू फॉर गिवन ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द अवेलेबल डेटा. जितना ज्यादा हमारा डिफरेंस होगा ऑब्वियसली उतना हमारा डेविएशन बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा डेविएशन बढ़ेगा उतना हमारी एक्यूरेसी जो होती है उसे हम सही नहीं मानते. चलिए अब इसे थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. नाउ सपोज दैट मेरी अपनी खुद की एक बाइक एजेंसी है जहां पर मैं पर डे बाइक सेल करता हूं और उसका रिकॉर्ड मैनेज करता हूं. सपोज दैट मैंने 10 दिन का अपना रिकॉर्ड यहाँ पे नोट किया. नाउ ये मेरे पास जो अवेलेबल 10 डेज की सेलिंग रिकॉर्ड है इसकी बेसिस पे मुझे सपोज इसका एवरेज फाइंड आउट करना है. सो इट विल बी ऑब्वियसली इसका टोटल करके मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 10 से. सो दिस विल बी से 63/10 और ये तकरीबन आता है मेरा 6.3. नाउ सपोज दैट ये जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं मैं इन्हीं सेम रिकॉर्ड्स को कुछ इस तरीके से फिर से ले लूं, एंड लास्ट डे की सपोज मेरी जो सेल थी वो अचानक से बहुत ज्यादा हो गई, एंड सपोज ये हो गई 78 बाइक्स, एंड नाउ अगर आप इसका एवरेज फाइंड करें 136/10 एंड दिस बिकम्स व्हाट योर 13.6. नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर आप ये जो गिवन डेटा रेंज है इसके एवरेज को स्टैंडर्ड माने तो क्या ये सही होगा. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अगर मैं जनरल कंपेरिजन करूं, 6.3 मेरी एवरेज है तो 6 है, ठीक है उसके पास है, 8 भी इसके पास है, 9 भी इसके पास है, 4, 5 देखेंगे तो ऑन एन एवरेज ये जो एवरेज है उसके साथ हर एक डेटा का जो डिफरेंस है वो कम है. इसका मतलब मैं इस एवरेज को स्टैंडर्ड मान सकता हूं. लेकिन अगर आप इस 13.6 को कंसीडर करें तो क्या मैं इसे अपने इस डेटा रेंज के लिए स्टैंडर्ड मान सकता हूं. सो ऑब्वियसली मैं एक बार कंपेयर करके देखूंगा. सो देन आई सी जो वैल्यूज मैंने यहां पर एज ए डेटा ली है उसका और इस एवरेज वैल्यू का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है. लाइक ये 6 है तो ये सीधे उसके डबल से भी ज्यादा है, 8 है तो ये 5-6 टाइम ज्यादा है. अगर आप 78 को देखें तो इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है. तो क्या ऐसी सिचुएशन में मैं इसे स्टैंडर्ड मान सकता हूं. तो यहां पर शायद आपका आंसर होगा कि नहीं, हम इसे स्टैंडर्ड नहीं मान सकते. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास अवेलेबल रिकॉर्ड है और उसकी बेसिस पे अगर मैं कोई मीन वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं या कोई एवरेज मैं निकालता हूं जिसकी बेसिस पे मुझे कोई एक एनालिसिस करनी है तो हो सकता है वो एनालिसिस मेरी गलत हो जाए. तो ऐसी सिचुएशन में हम हेल्प ले सकते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की. जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन में आपसे कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो एवरेज हमने निकाला और जो मेरे अवेलेबल डेटा है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है. अगर वो डिफरेंस ज्यादा है इसका मतलब डेविएशन हमारा ज्यादा है, और अगर वो डिफरेंस कम है इसका मतलब डेविएशन हमारा कम है. इसे मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं. लेट सपोज दिस इज माय एवरेज. अगर मैं डेविएशन निकालूं और मेरा जो डेविएशन है वो उसका कर्व कुछ इस तरीके का आए, अर्थात मेरे एवरेज में और हर एक डेटा के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर कम होगा इसका मतलब मैं इस एवरेज को अपना स्टैंडर्ड मान सकता हूं. लेकिन अगर सपोज मेरी जो एवरेज वैल्यू है प्लस जो डेविएशन है उनके बीच का गैप ज्यादा हो जाता है, से दिस इज माय एवरेज, तो अगर आपका गैप ज्यादा हो रहा है मतलब मैक्सिमम डेविएशन आ रहा है, मतलब लार्ज डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब उस एवरेज को मैं स्टैंडर्ड वहां पे
नहीं मान पाऊंगा. दिस इज व्हाट द रीजन हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि डिफरेंस फाइंड आउट करना और उसकी बेसिस पे एनालिसिस करना इज व्हाट योर स्टैंडर्ड डेविएशन. ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो फाइनेंस एंड बैंकिंग्स में होता है, जहां पर कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं उसकी जो रिफंड्स होती हैं, उसकी जो रिस्क कैलकुलेशंस होती हैं, उन सबको मेजर्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर कैसे किया जाता है, तो चलिए इसे समझते हैं. वेल, स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं. एक होता है जिसे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अकॉर्डिंग टू गिवन पॉपुलेशन, और दूसरा जिसे हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अकॉर्डिंग टू गिवन सैंपल्स. नाउ पॉपुलेशन का मतलब आप सीधे सीधे बोलिए कि ऑल अवेलेबल रिकॉर्ड्स को आप लीजिए और उनकी बेसिस पे आप डेविएशन को मेजर कीजिए. और अगर मैं सैंपल की बात करूं तो जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स को आप ले लीजिए, सबसेट ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स को, और उसकी बेसिस पे आप डेविएशन को फाइंड आउट कर लीजिए. इन दोनों तरीकों की अगर मैं बात करूं तो जब आप डेटा फ्रेम की बेसिस पे वर्क करेंगे, मैं पैंडा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, वहां पर हम एक्चुअली इस स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिस ऑन द सैंपल के कॉन्सेप्ट को या फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, या हमारा सिस्टम इसे फॉलो करके हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देता है. जहां तक पॉपुलेशन की बेसिस पे अगर हमें डेविएशन मेजर करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ यू कैन से डेटा और उसके जो मीन वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उनका स्क्वायर फाइंड आउट करके उसे डिवाइड कर देना एन से. और अगर आप सैंपल की बेसिस पे बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, दैट इज ऑब्वियसली समेशन ऑफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड द डेटा का स्क्वायर का टोटल, और उसके बाद में उसमें एन माइनस वन से आप डिवाइड कर दीजिए. तो मैं इस फॉर्मूले को लेके यहां पे वर्क करूंगा बिकॉज हमारी जो पैंडा डेटा स्ट्रक्चर है वो इसी को फॉलो करता है. तो चलिए मैन्युअली एक कैलकुलेशन करते हैं और फिर इसके बाद एसटीडी मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं. सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई फॉर्मूला वेयर एक्स इज आर डेटा, देन बार एक्स इज ऑब्वियसली मीन वैल्यू एंड एन इज टोटल नंबर काउंट, और यहां पर मैंने कुछ डेटास को नोट कर लिया है. चलिए इसकी बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहले बात आती है मीन वैल्यू को फाइंड आउट करने की, एंड वी नो दैट मीन वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज ऑब्वियसली सिग्मा एक्स अपॉन एन. सो इसकी बेसिस पे यदि हम इसका सम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो दिस विल बी आई थिंक 48. नाउ आफ्टर दिस टोटल काउंट अगर हम देखें नंबर्स का या डेटा का, सो दिस इज आर 7. इसका मतलब अगर इसका मीन निकालना है, सो दिस विल बी 48 डिवाइडेड बाई 7, जिसका कि रिजल्ट आ जाएगा 6.85. सो दिस इज माई मीन वैल्यू. नाउ द नेक्स्ट थिंग हम यहां पे निकालेंगे x माइनस बार एक्स, सो दिस विल बी x माइनस बार एक्स. तो यदि मैं इसे फाइंड आउट करूं सो दिस विल बी 1.15, और इसी तरह से मैं बाकी को भी ले लेता हूं. सो दिस इज व्हाट माई डिफरेंस इज. इसके बाद में हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दिस विल बी एक्स माइनस बार एक्स, और इसका मैं यहां पर स्क्वायर निकाल लेता हूं. सो दिस विल बी 1.15 का अगर आप स्क्वायर निकालें सो ये आएगा 1.32, और इसी तरह से बाकी का भी ले लेता हूं. सो दीज आर दी स्क्वायर वैल्यूज. चलिए अब इसका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दिस विल बी ऑब्वियसली सिग्मा एक्स माइनस बार एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 102.84. नाउ आफ्टर दिस जब हमने ये पूरा फाइंड आउट कर लिया, इस फॉर्मूला में अब इन वैल्यूज को हम पुट अप करते हैं. सो दिस विल बी 102.84 डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, दैट इज माई 7 माइनस 1 दैट इज 6. और जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी 17.14, जिसका कि अगर मैं स्क्वेयर रूट निकालूं तो चूंकि मैंने इसे कैलकुलेट कर रखा है तो दिस विल बी 4.14. इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे इस अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के लिए होगा दिस विल बी माई 4.14. तो ये तो बात हुई किस तरह से हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं. सो चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली हम पाइथन में एग्जीक्यूट करके देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. और जब हम पाइथन पे वर्क करते हैं तो इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं अपने पैंडा डेटा स्ट्रक्चर के लिए, दैट इज आवर एसटीडी मेथड, जो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है हम डेविएशंस के लिए करते हैं. तो चलिए इसे अब यूज करते हैं. सो दिस इज माई पाइथन शेल. सो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी पैंडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ. अब मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम रेडी कर लेता हूँ. अब हम यहाँ पर उन्हीं वैल्यूज को ले लेते हैं जिनको अभी हमने एग्जाम्पल में लिया था. सो दीज आर दी वैल्यूज. सो दिस इज माई डेटा फ्रेम. चलिए अब इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड को.
अब अगर मैं इसे एंटर करके प्रेस करूं, आप देखेंगे इसका रिजल्ट वही आ रहा है 4.14 जो अभी हमने एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था। इसका मतलब जब आप डेटा फ्रेम या सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को लेकर काम करते हैं और वहां पर यदि आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड दैट इज एसटीडी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिस ऑन द सैंपल डेटा को फाइंड आउट करता है, ना कि पॉपुलेशन की बेसिस पे। तो ये एग्जाम्पल तो अभी हमने देखा सिंगल डायमेंशनल डेटा फ्रेम के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा फ्रेम के लिए जहां पर मल्टीपल कॉलम्स हैं हमारे पास में। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, यहां पर मैंने एक डेटा फ्रेम रेडी किया है बेसिस ऑन द डिक्शनरी जहां पर मैंने सेल्समैन का 3 अलग अलग मंथ्स का सेलिंग रिकॉर्ड को मैनेज किया है। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ये मेरे पास डेटा फ्रेम रेडी हो चुका है जिसका नाम अगेन DF है। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं df.std, इसके बाद अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं देन यू सी इसने जनवरी का स्टैंडर्ड डेविएशन बताया, फरवरी का बताया और आपको यहां पे मार्च का बता दिया। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम का चाहिए देन यू कैन सिंपली टेक दिस टू से df, ब्रैकेट में आप डाल दीजिए जनवरी, उसके बाद में कोने लगा के अगर आप लिख दें एसटीडी एंड देन इफ यू एग्जीक्यूट इट विल शो यू ओनली द डेविएशन ऑफ जनवरी मंथ। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड डेविएशन और किस तरह से पैंडा डेटा स्ट्रक्चर में, चाहे वो डेटा फ्रेम हो चाहे सीरीज ऑब्जेक्ट हो, वहां पर हम एसटीडी मेथड का इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ आई होप दैट दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन और किस तरह से पैंडा डेटा स्ट्रक्चर में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग एसटीडी मेथड। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। बाय बाय एंड टेक केयर।